हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर GSTDI GS कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में नेटवर्किंग डिवाइस में आज हम सीखेंगे ब्रिज। ब्रिज होता क्या है, ब्रिज कितने प्रकार का होता है, इसके फायदे क्या हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं इसके, और इसके फीचर्स क्या होते हैं। ब्रिज इज ऑपरेट्स एट द डेटा लिंक लेयर। ब्रिज जो हमेशा होता है वो हमेशा OSI के डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ब्रिज इज अ रिपीटर। ब्रिज एक प्रकार का रिपीटर होता है विद एड ऑन द फंक्शनैलिटी एंड फिल्टरिंग कंटेंट बाय रीडिंग द मैक एड्रेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। या सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के मैक एड्रेस को रीड करता है, उसके बाद उसकी फंक्शनैलिटी और को सारे को फिल्टर करता है। उसके बाद ही इट इज ऑल्सो यूज फॉर इंटरकनेक्टिंग टू लैंस नेटवर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल। इट हैज सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट पोर्ट, दस मेकिंग इट टू पोर्ट डिवाइस। ब्रिज जो होता है वो मल्टीपल लैंस को एक लैंस को मल्टीपल लैंस में कन्वर्ट करने का काम होता है। ये एक लैन नेटवर्किंग डिवाइस को ब्रिज डिवाइस के द्वारा हम उसको दो लैन नेटवर्क डिवाइस बना सकते हैं। यह जब भी काम करता है ब्रिज सबसे पहले लैन वन से हब में जो भी डेटा सेंड करेगा ब्रिज उस डेटा को लेगा। उसके बाद ब्रिज में जो भी डेटा लिया गया है वो लैन वन से उसका एग्जामिन करेगा, परीक्षण करेगा। एग्जामिन करने के बाद ब्रिज को जिस भी डेस्टिनेशन पर उस डेटा को भेजना है, भेजने से पहले ब्रिज उस डेस्टिनेशन वाले सभी सिस्टम के मैक एड्रेस को रीड करेगा। फिर उसके लिए ब्रिज एक टेबल क्रिएट करेगा। टेबल में एक साइड में मैक एड्रेस नोट करेगा और दूसरी साइड में पोर्ट नंबर को देखेगा। लैन टू के चारों सिस्टम का मैक एड्रेस देखेगा। फिर ब्रिज हमारा चारों सिस्टम के पोर्ट नंबर को भी देखेगा और फिर उसके बाद डेटा को सेंड कर देगा। यही काम होता है ब्रिज का। आगे हम ग्राफ में देखते हैं कि आप देखेंगे यहाँ पर हब वन हब टू दो प्रकार के लैन बने हुए हैं। यहाँ पर चार अलग अलग सिस्टम है, चारों के अलग अलग मैक एड्रेस हैं, लेकिन एक एरिया में क्या था कि नेटवर्क नहीं पहुंच रहा था, तो वहां पर ब्रिज के द्वारा लैन वन लैन टू को डिवाइड कर, जहां पर आप हब वन हब टू देख रहे हैं, आप इसको आज समझ लिए वहां पर हब लगा हुआ है जिसका है लैन वन और हब टू लैन टू। ये चारों सिस्टम का सेपरेट अलग अलग मैक एड्रेस है। जो ब्रिज होता है हमारा सभी सिस्टम के मैक एड्रेस को उसका टेबल क्रिएट करता है, और जो भी यहाँ पर कोई नोड दूसरे को अगर कोई भी मैसेज ट्रांसमिट करना चाहता है तो वह पहले उस मैक एड्रेस को रीड करेगा, फिर उसके बाद पार्टिकुलर मशीन से पार्टिकुलर डेस्टिनेशन पर डेटा को भेज देता है। टाइप ऑफ ब्रिज, ट्रांसपेरेंट ब्रिज, दीज आर द ब्रिजेस विच इज द स्टेशन आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द ब्रिज एक्सिस्टेंस वेदर आर नॉट ए ब्रिज इज एडेड और डिलीटेड फ्रॉम द नेटवर्क। Configuration of the stations is unnecessary. These bridges may use two process, bridge forwarding and bridge learning. जो transparent bridge होता है यह हमें forwarding network को forwarding करने का, एक network से मैंने आपको बताया कि लैन वन से लैन टू को वो क्या करेगा, उसको define कर देगा। एक ही लैन में double लैन होता है जिसको लैन वन और लैन टू में वो define कर देता है और उसके message को configure करता है, फॉरवर्ड करता है और उसको प्रोसेस करता है। दूसरा है सोर्स राउटिंग ब्रिज। इन दीज ब्रिज राउटिंग ऑपरेशन परफॉर्म्स बाय द सोर्स स्टेशन। जो ये ब्रिज होता है वो जहाँ से डेटा चलता है, जिस हब से डेटा चलता है, उस डेटा उस वहाँ से उसकी परफॉर्मेंस को देखता है एंड फ्रेम स्पेसिफाई व्हिच रूट्स टू फॉलो। और ब्रिज डिसाइड करता है कि किस रूट को फॉलो करना है, किस लिंक से डेटा को ले जाना है। द होस्ट कैन डिस्कवर द फ्रेम बाय द सेंडिंग स्पेशल फ्रेम कॉल्ड द डिस्कवरी फ्रेम विच स्प्रेड थ्रू द एंटायर नेटवर्क यूजिंग ऑल पॉसिबल पैथ्स टू द डेस्टिनेशन। मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि वो सभी के एड्रेस और सभी के मैक एड्रेस की एक टेबल बनाता है, और जहाँ से भी डेटा चलता है और जहाँ तक जाना होता है उसका एक टेबल बनाता है, उसका एक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस के जरिए ही डेटा को क्या करता है, वो भेजता है। तो फीचर्स ऑफ ब्रिज हम देखेंगे। द ब्रिज रिसीव ऑल पैकेट और फ्रेम्स फ्रॉम बोथ लैन सेगमेंट ए एंड डी।
जो ब्रिज होता है वो दोनों ए और बी दोनों प्रकार के लैन के सेगमेंट या डेटा पैकेट्स को क्या करता है, रिसीव करता है। ब्रिज बिल्ड्स अ टेबल एड्रेस, ब्रिज बिल्ड्स अ टेबल एड्रेस फ्रॉम विच इट कैन आइडेंटिफाई दैट द पैकेट्स आर सेंट। ब्रिज क्या करता है, डेटा सेंड करने से पहले उसकी एक टेबल क्रिएट कर लेता है जिसमें एक का मैक एड्रेस होता है और दूसरे में उसका नाम होता है। फ्रॉम इंडिविजुअल लैन और सेगमेंट टू विच लैन, कि कौन सा मैक एड्रेस किस लैन का है। द ब्रिज रीड्स एंड सेंड डिस्कार्ड्स ऑल पैकेट्स फ्रॉम लैन ए सेंड टू ए कंप्यूटर लैन लैन ए सेंड टू ए कंप्यूटर ऑन लैन ए एंड दैट पैकेट फ्रॉम लैन ए सेंड टू कंप्यूटर ऑन लैन बी आर रिट्रांसमिटेड टू लैन बी। जो ब्रिज का काम होता है, सबसे पहले क्या करता है, वो सभी के मैक एड्रेस को रीड करता है, उसकी टेबल क्रिएट करता है और वो आइडेंटिफाई करता है कि जो यदि लैन वन से कोई भी डेटा चला हुआ है तो लैन बी के किस मैक एड्रेस में या किस पोर्ट में जाएगा या किस नोड में जाएगा। द पैकेट्स फ्रॉम लैन बी आर कंसिडर्ड इन द सेम मेथड। जो डेटा पैकेट्स होता है वो सेम मेथड पे ही काम करता है कि वो चलने से पहले क्या करता है, डिफाइन कर लेता है कि उसको किस मैक एड्रेस और किस पोर्ट पर जाना है। ब्रिजेस आर यूज टू डिवाइड लार्ज बिजी नेटवर्क्स, ब्रिजेस आर यूज टू डिवाइड लार्ज बिजी नेटवर्क इंटू मल्टीपल स्मॉलर एंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टू इम्प्रूव पर। जो ब्रिज होता है वो एक बहुत बड़े लैन बिजी लैन को क्या करता है, मल्टीपल लैंस में कन्वर्ट करके और इंटरकनेक्शन की सुविधा प्रोवाइड करता है जिससे कि परफॉर्मेंस बेहतर हो सके, जिससे कि नेटवर्क की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। ब्रिज आल्सो कैन इंक्रीज द फिजिकल साइज ऑफ ए नेटवर्क। जो ब्रिज होता है वो नेटवर्क के फिजिकल साइज को भी बढ़ाता है, जैसे किसी नेटवर्क की रेंज 10 मीटर है या 20 मीटर है तो वहां पर एक ब्रिज लगा के लैंड टू करके हब लगा दिया जाए तो उसकी नेटवर्क की जो स्ट्रेंथ है वो अगर 20 मीटर है तो 40 मीटर हो जाएगी। ब्रिजेस आर आल्सो यूज्ड टू कनेक्ट लैंड सेगमेंट थ्रू ए साइमल्टेनियसली कनेक्टेड कंप्यूटर्स टू अनदर लैंड सेगमेंट आर ए रिमोट एरिया। ब्रिज जो कि क्या करता है, किसी भी लैंड एरिया में अगर नेटवर्क नहीं जा रहा तो वहां पर एक ब्रिज डिवाइस और लगाकर उस एरिया में भी नेटवर्क या लैंड के सेगमेंट को स्प्रेड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपको आज का ये हमारा चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। जय हिंद।